बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को MP MLA कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और BSP सांसद अफजल अंसारी को भी MP MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सांसद अफजल अंसारी को 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए का अर्थ दंड लगाया गया है। सांसद अफजल अंसारी को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। आपको बता दें कि 23 सितंबर 2022 को सांसद अफजल अंसारी एवं मुख्तार अंसारी के विरुद्ध न्यायालय में प्रथम दृष्टया आरोप तय हो चुका था। अभियोजन की तरफ से गवाही पूरी होने के बाद बहस पूरी हो गई थी। फैसले के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं और सभी अपराधियों में कड़ी पैरवी कर रहे हैं। सभी अदालतों में लग करके हमारे अभियोजन के वकील लगातार लगे हुए हैं और अपराधियों में आज कानून का भय तो मामला है। उच्च न्यायालय में जो न्यायालय की फैसला आएगी उसमें मुझे न्यायालय के फैसले पर विश्वास है, मैं विश्वास करती हूँ। अब अतीश के साथ जो हुआ है हुआ है, आने वाला समय में कैसा क्या होगा वो तो मैं ही नहीं बता सकती हूँ। बाकी आने वाला समय में ये बता सकती हूँ कि गुंडा माफियाओं का राज खत्म हो गया है और खत्म हो जाएगा, कि तो जेल में रहेंगे नहीं तो ऊपर चले जाएंगे तो है। आज गाजीपुर MP MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया। मैं कोर्ट को अपनी तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही प्रदेश के मुखिया महाराज जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने जीरो टॉलरेंस की नीति पर आज उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाया है। पिछले सरकारों में ये गुंडे माफिया आतताई के रूप में काम करते थे और इनका केवल पैसा था लोगों से धन उगाही करना। आज यही गुंडे माफियाओं का सफाया हो रहा है, या तो ये गुंडे माफिया जेल में है या आसमान में है। मैं एक बार पुनः कोर्ट को और महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, टॉप स्टोरी न्यूज़।